वेलकम व्यूअर्स। देखिए फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में नहीं जानता ऐसा कोई इंसान इंडिया में जो डाटा यूज करता है शायद ही कोई होगा। हो सकता है आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो जो वीडियो देखने के लिए जो डाटा आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है वो इसी कंपनी से आता हो। तो कंपनी कैसी है इस बारे में डिस्कस करना शायद ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के बारे में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। इंडिया के अंदर जो लोग डाटा कंज्यूम करते हैं उन सबको पता है कि कंपनी कैसी है। और इस कंपनी ने आज एक ऐसा अच्छा काम किया है उन लोगों के लिए, कोरोना वायरस से पीड़ित उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है। 100 बेड वाला एक हॉस्पिटल का भी एक निर्माण किया है और फ्री में खाना देने का भी ऐलान किया है। तो बहुत अच्छा काम कर रही है ये कंपनी, और कंपनी का स्टॉक ने भी आज अच्छा काम किया है फ्रेंड। 7% की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है हमें। तो आगे आने वाले दिनों में इस कंपनी की स्थिति कैसी होगी ये प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है, क्योंकि मैं अगर आज बोल दूँ आपको कि स्टॉक को बाय कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो जाएगा, और हो सकता है एक महीने में ये स्टॉक और 20% गिर जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि फ्रेंड्स ये स्टॉक मार्केट है। शब्दों के ऊपर गौर कीजिए, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कल के सत्र में और 10% बढ़ जाए और अपर सर्किट लग जाए, या फिर हो सकता है और 10% नीचे आ जाए और लोअर सर्किट लग जाए, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। इंडिया के स्टॉक मार्केट में सर्किट लगना अभी एक आम बात हो चुकी है, क्योंकि देख सकते हैं सर्किट के ऊपर सर्किट, कितनी बार सर्किट लगे, एक महीने में 2 बार से ज़्यादा सर्किट लग चुके हैं, दो बार ही सर्किट लगी है। और स्टॉक के ऊपर अगर गौर कीजिए तो इंडिया में जो अमूमन स्टॉक ट्रेड होते हैं उनमें अभी जो स्थिति है, इंडिया का भिक्स आप एक बार देखिए, अभी जो स्थिति है वहाँ पर हर रोज किसी ना किसी स्टॉक में एक बार से ऊपर 2 बार 3 बार लोअर सर्किट या अपर सर्किट लग जाता है। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर टिप्पणी करना शायद मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। और मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग दी है, तो आपको एक बार इस कंपनी को रिविजिट करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप एक बार एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स पहले अपना फंडामेंटल जो एनालिसिस है उसको कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ पर एवरेज कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो रिलायंस इंडस्ट्री जिस लेवल पर है बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अभी आपको मिल रहा है। तो ये अच्छा एक अच्छा टाइम है इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए या फिर फ्रेश खरीदारी करने के लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको मैं बता पाया कि रिलायंस इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।